केजीएफ चैप्टर टू फिलहाल सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है और केजीएफ चैप्टर टू 13th मार्च कल है, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा हो सकता है ऐसा कहा जा रहा है और इसलिए ट्रेंड हो रहा है। 13th मार्च 2019 को केजीएफ चैप्टर टू की शूटिंग स्टार्ट हुई थी और 13th मार्च 2020 को केजीएफ चैप्टर टू का रिलीज डेट अनाउंस किया गया था। तब जाकर इसकी रिलीज डेट रखी गई थी, वो भी 23rd अक्टूबर 2020, लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि कोरोना आ जाएगा। तो यानी कि दो साल से 13th मार्च को कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंस हुआ है। ऐसे में फैंस को भी यही लग रहा है कि 13th मार्च 2021 भी खाली नहीं होगा। मे बी कल अनाउंसमेंट हो सकता है कि इस फिल्म के सेकेंड टीजर का या फिर इस फिल्म से जुड़ा हुआ कोई गाने का कुछ ना कुछ तो बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। और ऐसे ही कई सारे ट्विटर पर बड़े बड़े हैंडल्स ने अपनी अपनी राय दी है, उनको भी लग रहा है कि कल कुछ बड़ा होने वाला है। हमें भी यही उम्मीद है कल कुछ बड़ा होगा। फिलहाल बात करें यहाँ पर, यश ने तो कुछ ऑफिशियल नहीं कहा, लेकिन हाँ उन्होंने यहाँ पे एक्सेल एंटरटेनमेंट की जो आने वाली फिल्म है अमेजन प्राइम पे तूफान, उनकी तारीफ जरूर की है रॉकिंग स्टार यश ने। तो कुल मिलाकर यही उम्मीद करते हैं कि यश इस फिल्म के बारे में भी यानी कि केजीएफ चैप्टर टू के बारे में भी कल कुछ बड़ा रिवील करे। लेकिन फिलहाल फैंस यही वेट कर रहे, कुछ ना कुछ कल करिश्मा होगा उसी का वेट कर रहे। हम भी उम्मीद करते हैं कि मेकर शुड अनाउंस समथिंग न्यू, क्योंकि जो उनकी आखिरी अनाउंसमेंट थी वो केजीएफ रिलीज डेट को थी जो जनवरी एंड में थी, अगर हम गलत नहीं है तो। उसके बाद से कोई अनाउंसमेंट नहीं है और इतनी बड़ी फिल्म की अगर अनाउंसमेंट नहीं आती है फैंस को थोड़ा अपसेट फील होता है। एनीवेज आपको क्या लगता है केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर कल क्या कुछ नया आएगा जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।